हेलो एवरीवन। तो यार सीबीएसई टर्म वन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के दिमाग में बहुत सारे बच्चों को अभी टेंशन है अपने यार टर्म वन को लेकर के। ये दिमाग में समझ नहीं आ रहा है कि हम यार क्या पता फेल हो जाएंगे तो हमारे साथ क्या चीज़ें होंगी, क्या सारे के सारे बच्चों को पास किया जाएगा, किन बच्चों के पेपर नहीं होने वाले हैं, ये सारी की सारी बात मैं करने वाला हूँ। लेकिन उस सबसे पहले अगर आप सब फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए थे तो इस चैनल को जाकर के अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार इस चैनल पर जाकर के आपको सीबीएसई के रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाती है जो कि आपको दूसरे चैनलों पे नहीं मिलेगी। सो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे ज्यादा अभी जो मेन बात है वो हमारी ये लेकर के है कि आप सभी को यार फेल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो आप सभी को यार क्या फेल करा जा सकता है कि नहीं, ये मैं बताने वाला हूं। लेकिन उस सबसे पहले यार आशा करते हैं कि आप सभी की टर्म वन की एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। और आपको तो पता ही होगा कि यार इस बार जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं वो नए एमसीक्यू पैटर्न पे होगा। और जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे यार तो आपको एग्जाम पैटर्न से फैमिलियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बच्चों आपको यही प्रिपरेशन में आपको बहुत सारे डाउट्स भी आएंगे, इसलिए अनअकैडमी आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन पैकेज डाउट्स पूछो विथ आस्क और डाउट फीचर जो कि 24/7 होता है, और प्रैक्टिस करो विथ इमर्ज मेगा मॉक बोर्ड एग्जाम्स। ये स्पेशल मॉक टेस्ट रहेगा आप सबके लिए, क्योंकि इस बार अगर आप इस टेस्ट में आपको टॉप करते हो तो आप जीत सकते हैं 50 लाख रुपये तक के प्राइजेस। टॉप रैंकर्स को मिलेगा मैकबुक एयर, आईपैड प्रो, OnePlus 9, iPhone 12, लैपटॉप। इसके साथ ही साथ आपको यार हेडफोन्स, अनअकैडमी के ब्रांडेड ट्रॉफीज़ और गुडीज़ मिलेंगे। जो नेक्स्ट हमारा मॉक टेस्ट होने वाला उसकी डिटेल्स यार 27 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में होने वाला है, 10th और 12th के लिए होता है, और सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको दिख जाएंगे, और ये शाम 5 से 6:30 बजे तक होता है। कहानी इधर ही हमारी ख़त्म नहीं होती है। अनअकैडमी के आज का डाउट फीचर से आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं, वो भी 24/7, और अगर आप 10 डाउट्स पूछेंगे तो आपको मिलेगा 15 दिन का अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये फ्री की चीज़ मैं आप सभी के लिए लाता ही रहता हूँ। ये ऑफर यार सीबीएसई क्लास 6 से 12 तक वालों के लिए है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वालों के लिए है, आईटी जेई वालों के लिए है, नीट फाउंडेशन वालों के लिए और एनटीएससी वाले बच्चों के लिए भी है। एएडी को आप कैसे यूज कर सकते हैं, गो टू आस्क अ डाउट फीचर में आपको क्लिक करना है, वहां पर क्लिक करके आपको अपनी जो डाउट है उसको अपलोड कर देना है फोटो खींच करके, और देन जाकर के आप सभी को बस सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो लर्नर्स यार इससे बेहतर मौका आप सभी को कभी नहीं मिल सकता टर्म वन की एग्जाम्स की प्रैक्टिस के साथ साथ प्राइजेस जीतने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अभी जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनरोल कर सकते हो और फ्री में मॉक टेस्ट भी दे सकते हो और फ्री में डाउट्स भी पूछ सकते हो, और डाउट्स पूछने के बाद आप सभी को फ्री में अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। आपको वहां पे जो हमारा कोड आपको डालना है TRY10 आपको कोड यूज करना है, और TRY10 कोड यूज करने के बाद आप सभी को यार फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सारी चीज मिल जाएगी। सो जल्दी से जाकर के इनरोल कर लो, और अगर आपको कोई दूसरा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो उसमें भी आपको 10% ऑफ मिल जाएगा इसी TRY10 कोड से। सो जल्दी से जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इनरोल करो। तो देखो यार सबसे पहली बात है सीबीएसई ने ये कह दिया है कि यार किसी भी बच्चे का यार इस टर्म वन में ना कंपार्टमेंट आने वाला है, ना कोई फेल का ऐसा कुछ होगा, बस बच्चों के हम नंबर बताने वाले हैं और किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। ये सीबीएसई ने खुद से कहा है, ये बहुत ही खुशखबरी वाली बात है, आप सभी को खुश होना चाहिए इस बात पे कि सीबीएसई खुद ऐसी चीजें कह रहा है। किन बच्चों के पेपर नहीं होने वाले हैं, तो जो प्राइवेट कैंडिडेट्स है, प्राइवेट कैंडिडेट्स का मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट स्कूल्स वाले बच्चे, प्राइवेट कैंडिडेट्स वो बच्चे होते हैं जो किसी भी स्कूल्स में नहीं होते, ठीक है, वो बिना किसी स्कूल के अपनी जो पढ़ाई कर रहे होते हैं वो सारे प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं। तो उन बच्चों का यार पेपर नहीं होने वाला है, तो ये एक बहुत ही बेकार चीज भी हुई है, क्योंकि जब उनका टर्म वन नहीं हो रहा है तो जो मेन वाले बच्चे उनका भी नहीं लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो उन बच्चों का नहीं होगा, पत्राचार वाले बच्चों का नहीं होगा टर्म वन, उनका कहा गया कि टर्म टू से ही उनका फाइनल जो डिसीजन है वही लिया जाएगा। और जाकर के आप सभी को यार पता है कि बोनस मार्क्स भी बच्चों को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, कि जो भी पेपर आने वाला है उस पेपर में जो भी मिस्टेक्स होंगी उनको यार कोई भी बताएगा नहीं, और उस मिस्टेक्स के बाद जाकर के बच्चों को यार जो क्वेश्चन गलत आएगा उसके बोनस मार्क्स भी बच्चों को मिलने वाले हैं। तो ये सारी की सारी अभी के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक बड़ी न्यूज, बड़ी यार एक लेटेस्ट अपडेट थी जो कि आपको देना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपको बस पढ़ाई अच्छे से करते रहनी है। आपके लिए सीबीएसई बहुत कुछ कर रहा है, आपको मेन फोकस करना है कि टर्म वन में आप जितना अच्छा कर सकते हो कर लो, लेकिन मेन आपका टर्म टू से ही फाइनल डिसीजन आने वाला है, जो मार्क्स आपके आएंगे वो टर्म टू से ही देखे जाएंगे। सो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं सीबीएसई के रिलेटेड वो हर यार इस चैनल पे जल्दी से डल जाती हैं, तो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो बस यार थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।